हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अपेक्षा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न एज की। फिर अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एज की। तो किसी भी एज के बारे में जानने से पहले हमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मॉडर्न एज का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एक बार हम उसे देख लेते हैं। फ्रेंड्स, 1901 से 1945 तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड मॉडर्न एज, ठीक है। और 1945 के बाद का जो टाइम है वो कहलाता है पोस्ट मॉडर्न एज, ओके। 1901 में क्या हुआ था कि क्वीन विक्टोरिया जो थी उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से ही हमारा मॉडर्न एज का जो टाइम पीरियड है वो शुरू हो जाता है। क्वीन विक्टोरिया की डेथ के बाद एडवर्ड सेकंड जो थे वो किंग बनते हैं, और एडवर्ड सेकंड 1901 से 1910 तक ब्रिटेन के किंग रहते हैं। फ्रेंड्स, इनके टाइम में जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुई उसे एडवर्डियन लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। और अगर हम इम्पॉर्टेंट राइटर की बात करें तो E.M. फॉस्टर जो हैं वो एडवर्डियन लिटरेचर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर कहे जाते हैं। अब ये एडवर्डियन जो एरा था या एडवर्डियन जो पीरियड था एडवर्ड सेवेंथ का, ये 1910 में फिनिश हो जाता है विद हिज डेथ। देन जॉर्ज फिफ्थ जो हैं वो ब्रिटेन के नए किंग बनते हैं। तो 1910 से लेके 1936 तक का जो पीरियड है वो जॉर्ज फिफ्थ की रेन में आता है, और इस टाइम पर जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुई दैट इज कंसिडर्ड जॉर्जियन लिटरेचर, ठीक है। जॉर्जियन लिटरेचर की अगर इम्पोर्टेंट राइटर की बात करें तो W.W. गिब्सन हैं, जे मेसफील्ड हैं जो कि इम्पोर्टेंट जॉर्जियन पोइट्स हैं और राइटर्स हैं। अब इनके बाद एडवर्ड एट्थ आते हैं 1936 में, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक किंग नहीं रह पाते। उनकी डेथ के बाद जॉर्ज सिक्स आते हैं जो कि 1936 से 1952 तक रूल करते हैं, और जॉर्ज फिफ्थ के बाद आती हैं एलिजाबेथ सेकंड। प्रिंस क्वीन एलिजाबेथ जो हैं ये ब्रिटेन की सबसे लंबे टाइम तक रूल करने वाली क्वीन हैं, और करेंटली ये 94 इयर्स की हैं अभी क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ का जो पीरियड है वो 1952 से अभी तक ब्रिटेन में चल रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स की जो कि इस टाइम पीरियड में हुए। हिस्टोरिकल इवेंट्स की अगर बात करें तो जो कॉलोनियल सुप्रीमेसी थी उसके लिए यूरोपियन नेशंस आपस में फाइट कर रहे थे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वर्ल्ड को ये दो वर्ल्ड वॉर देखने पड़े, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसके साथ ही वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ जिसे कि ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। शेयर मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गया था जो कि 1929 से 1939 तक रहा। टाइटैनिक भी सिंक हुआ था 1911 में, और साथ में ही जो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आया वो था 1928 का वोटिंग राइट फॉर वीमन इन इंग्लैंड। ब्रिटेन में अब तक महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, 1928 में जैसे कि सफ्रेज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो वीमन थी उनको वोट करने का राइट मिला। कॉलोनियल वार्स भी हुए क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत सारे कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना रखा था, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए वॉर्स चल रहे थे और इंडिया भी उनमें से एक था। तो ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स थे मॉडर्न एज के जिन्होंने उस टाइम के लोगों के माइंड को, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया, क्योंकि कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। लोगों ने बहुत कुछ जो है खराब, हॉरर, टेरर, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारे चीज़ें जो थी वो एक्सपीरियंस की थी। तो लिटरेचर में भी कहीं ना कहीं इन सब का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। अब देखिए मॉडर्न एज जो है इसे हम जानते हैं एज ऑफ मशीन, एज ऑफ इनोवेशंस, एज ऑफ वॉर एंड एज ऑफ इंटरोगेशंस के नाम से। मॉडर्निज्म ओरिजिनेटेड इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। मॉडर्निज्म की जो शुरुआत हुई वो लेट 19th और अर्ली
20th सेंचुरी से हुई मेनली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। मॉडर्निज्म जो था ये कि सेल्फ कॉन्शियस ब्रेक था विद ट्रेडिशनल वेज ऑफ राइटिंग। विक्टोरियन पीरियड के जो सेट पैटर्न्स थे राइटिंग के, मॉडर्न राइटर्स ने उससे ब्रेक लिया। मॉडर्निस्ट अवॉइडेड ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म एंड एक्सप्रेशन। उन्होंने विक्टोरियन एरा का जो ट्रेडिशनल लिटरेरी फॉर्म थी, जो उनका एक्सप्रेशन करने का तरीका था, उनके सेट रूल्स को, उनके पैटर्न को अवॉइड किया और अपने तरीके से लिखना स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंडिविजुअलिज्म बिकेम वर्च्यूज। वो अपनी राइटिंग में नए नए एक्सपेरिमेंट करने लग गए थे। काफ़ी सारे नए मूवमेंट्स भी इमर्ज हुए मॉडर्न टाइम में। और जिस तरीके से विक्टोरियन राइटर्स जो थे वो सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन मॉडर्निस्ट राइटर्स ने सेल्फ एक्सप्रेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। मॉडर्निस्ट राइटिंग्स इंगेजेस विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, क्योंकि ये जो टाइम था जिसे कि हम एज ऑफ मशीन्स के नाम से भी जानते हैं, एज ऑफ इनोवेशंस के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत सारे जो है नए नए साइंस के फील्ड में इनोवेशंस हुए, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो इन सब का क्या हुआ, सोसाइटी पर काफ़ी चेंज हुआ। राइटिंग थी राइटर्स की, वो इन सब चीज़ों से इंगेज्ड थी, मीन्स इन सब का इम्पैक्ट उसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसेस थे, सोसाइटी में जो चेंज हो रहे थे, इन सब का इम्पैक्ट आपको मॉडर्न पोइट्री और मॉडर्न एज की राइटिंग्स पर भी मिलेगा। दे प्रेजेंटेड अ पैसिमिस्टिक व्यू ऑफ सोसाइटी। पैसिमिस्टिक व्यू हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि टू वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, टाइटेनिक भी सिंक हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया, तो इन सब की वजह से सोसाइटी में कहीं ना कहीं लोगों की जो सोच थी वो नेगेटिव हो गई थी, लोगों के अंदर एंग्जाइटी था, टेंशन था, तो ओवरऑल लोग जो थे वो कहीं ना कहीं पैसिमिस्टिक थे। तो वो पैसिमिस्टिक व्यू जो है आपको राइटर्स के प्लेस के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, पोइट्री के थ्रू उसका एक जो पिक्चर है वो देखने को मिलेगा। मॉडर्न राइटर्स एडॉप्टेड एज्रा पाउंड्स मैगजीन मेक इट न्यू। एज्रा पाउंड ने एक मैगजीन दी थी मेक इट न्यू, मीन्स पुरानी चीज़ों को छोड़ो और कुछ नया करो, तो मॉडर्न राइटर्स ने इस मैगजीन को एडॉप्ट किया एंड दैट्स द रीज़न कि उन्होंने विक्टोरियन टाइम के जो सेट पैटर्न्स थे, जो रूल्स थे, जो उनके तरीके थे, उनको अवॉइड किया और अपने तरीके से लिखना स्टार्ट किया। उन्होंने जैसे कि पोइट्री जो थी उन्होंने फ्री वर्ड्स में बहुत ज़्यादा लिखी है, कोई भी सेट पैटर्न नहीं है पोइट्री राइटिंग का बहुत ज़्यादा मॉडर्न एज की राइटिंग में, तो उन्होंने अपने तरीके से लिखना स्टार्ट किया। इस टाइम पर कुछ राइटर्स थे लाइक वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस, वो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अब सिगमंड फ्राइड ने किस चीज़ की थ्योरी दी थी, सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड, और इसके ऊपर उन्होंने दो बुक्स लिखी थी। उनकी फर्स्ट बुक थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें उन्होंने ड्रीम्स को डिफाइन किया था, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, एंड सेकंड उनकी बुक थी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। सिगमंड फ्राइड ने कॉन्शियस माइंड और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसकी फंक्शनिंग को डिस्क्राइब किया है, तो उनकी इस थ्योरी से वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो उन्होंने क्या किया, दे एम्प्लॉय सच टेक्निक्स एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि सबकॉन्शियस माइंड पर बेस्ड है, ठीक है, इंटरनल मोनोलॉग है, इन सारी टेक्निक्स को अपनी राइटिंग में शामिल किया ताकि जो रीडर्स हैं वो कैरेक्टर का जो सबकॉन्शियसनेस है, उसके माइंड में क्या पिक्चर चल रही है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, इस सब को अच्छी तरीके से समझ सकें। लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एज। द फर्स्ट वन इज इंटरोगेशन एंड एंग्जाइटी। फ्रेंड्स, मॉडर्न एज में क्या हुआ कि साइंटिफिक जो डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की वजह से इंसान का जो फेथ था रिलीजन के अंदर, चर्च के अंदर, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ था। उन्हें एक तरीके से गॉड वर्सेस साइंस वाली जो फीलिंग थी वो आ गई थी, अब वो किसी भी चीज़ को बिना टेस्ट किए उस पर विश्वास
नहीं करना चाहते थे आंखें बंद करके, तो उन्होंने हर बात पर सवाल करना स्टार्ट कर दिए। वो हर चीज़ को टेस्ट करना चाहते थे, हर चीज़ पर अपनी जो थिंकिंग थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर करना चाहते थे, तब उस पर ट्रस्ट करना चाहते थे। और दूसरा ये हुआ कि साइंटिफिक ये जो रेवोल्यूशन हुआ, तो इससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक तरीके से रैट रेस लगना स्टार्ट हो गई, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता था। तो इस वजह से सोसाइटी में क्या हुआ कि एंग्जाइटी जो थी वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। सेकेंड आता है आर्ट फॉर लाइफ सेक। अभी तक जो मैगजीन चली आ रही थी राइटर्स के लिए वो थी आर्ट फॉर आर्ट सेक, लोग आर्टिस्टिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन अब उन्होंने मॉडर्निस्ट राइटर्स ने क्या किया, उसको चेंज करके कर लिया आर्ट फॉर लाइफ सेक। वो सेल्फ एक्सप्रेशन को इम्पोर्टेंस देने लगे, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देने लगे। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द पुअर एंड द वर्किंग क्लास। सोसाइटी में अब जो पुअर और वर्किंग क्लास के जो लोग थे, अब वो उतने हेल्पलेस नहीं रहे थे, उनकी जो कंडीशन थी वो क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था चारों तरफ, तो उसकी वजह से थोड़ी सी सुधरने लगी थी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि जो राइटर्स थे उन्होंने पुअर और जो मिडिल क्लास थी और जो वर्किंग क्लास थी उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। अब ये सारे जो लोग थे ये क्या बन गए थे, एक रॉ मटेरियल बन गए थे रियलिस्टिक नोवेल राइटिंग के लिए, क्योंकि राइटर्स जो रियलिस्टिक नोवेल लिखते थे उनके कैरेक्टर मेनली वर्किंग क्लास, पुअर बैकग्राउंड या फिर मिडिल क्लास से होते थे। और अगर हम ड्रामास की और नोवेल्स की बात करें तो शो और गार्ल्स वर्दी के नोवेल्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। 20th century की जो लिटरेचर थी ये सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी, क्योंकि अब क्या हो रहा था, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, यंग विलेजर्स थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट किया। दे वांट टू अर्न मोर मनी सो दे मूव्ड टू टाउन, तो अर्बनाइजेशन जो था वो बढ़ गया, स्टिक हो गए थे और उनके अंदर कंपटीशन की फीलिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। साइकोलॉजिकल रिसर्च इन्फ्लुएंस लिटरेचर, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सिगमंड फ्राइड ने अपनी कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्चेज जो थी वो उस टाइम पर लेकर आए थे, और उन्होंने दो बुक्स भी लिखी थी जिनसे कि वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने उनको अपनी लिटरेचर में शामिल किया। इसके अलावा एक और इम्पैक्ट हुआ था लोगों की साइकोलॉजी से रिलेटेड, कि लोगों के लिए के कंडक्ट में भी काफ़ी चेंज आया था। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग जो थे अब सेक्स को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन हो गए थे, और उनके लिए सेक्स जो था वो कैसा हो गया था, इट वॉज अ नेचुरल ह्यूमन नीड लाइक फूड एंड ड्रिंक। तो दिस वॉज ये एक चेंज था जो लोगों के कंडक्ट में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विक्टोरियन एज के कुछ नोवेल्स को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो हीरोइंस हैं वो बहुत ज़्यादा वर्चुअस हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप मॉडर्न एज में जाएंगे और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एच जी वेल्स के नोवेल्स को पढ़ते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि जो हीरोइंस हैं दे लूज देयर वर्च्यूज एंड वन मोर। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस ऑफ रेडियो एंड सिनेमा। अब देखिए रेडियो एंड सिनेमा के डेवलपमेंट से क्या हुआ, रेडियो एंड सिनेमा के डेवलपमेंट से लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा, क्योंकि रेडियो ने लिटरेचर को घर घर तक पहुँचा दिया था थ्रू द ब्रॉडकास्ट ऑफ स्टोरीज, प्लेस, लिटरेरी डिस्कशंस, और जो प्लेस थे उनके ऊपर फिल्में बनना स्टार्ट हो गई थी, नोवेल्स के ऊपर फिल्में बनना स्टार्ट हो गई थी, तो इससे लिटरेचर को काफ़ी एक्सपोजर मिला। डिक्लाइन ऑफ सेंटीमेंट्स, इमोशंस एंड वैल्यूज। मॉडर्न एज के लिटरेचर में कहीं ना कहीं आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा सेंटीमेंट्स में, इमोशंस में एंड वैल्यूज में। सेम एज यू विल एक्सपीरियंस द लॉस ऑफ फेथ इन गॉड, गवर्नमेंट एंड ह्यूमन गुडनेस, क्योंकि वैल्यूज जो थे उनके उनमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया था, तो इसलिए ह्यूमन गुडनेस जो थी इसमें भी थोड़ा सा लॉस ऑफ फेथ देखने को मिलेगा। लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा था, उन्होंने जो अथॉरिटीज थी
उनके किसी भी रूल को आंख बंद करके मानना और उसको बिलीव करना बंद कर दिया था। अब वो उनके उनका जो माइंड था वो एक तरीके से कैसे हो गया था, क्रिटिकल हो गया था, दे हैव क्रिटिकल थिंकिंग नाउ। तो वो हर चीज को एनालिसिस करना चाहते थे और यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट को भी चैलेंज करना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब इस टाइम के जो लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट को चैलेंज करना भी स्टार्ट कर दिया था। वो किसी भी चीज को विदाउट थिंकिंग ट्रस्ट करना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट है मटेरियल ग्रोथ। क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा था, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था मशीन्स की वजह से, तो ग्रोथ तो हो ही रही थी। साथ ही जो मनी था वो की फैक्टर बन गया था लोगों के लिए, तो लोग थोड़े मनी माइंडेड हो गए थे, मटेरियलिस्टिक भी हो गए थे। इट डजंट शो एनी कनेक्शन विद हिस्ट्री, इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द करप्शन एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ पीपल आफ्टर द वॉर। अगर आयरनी का काफी यूज किया है, मेटाफर्स का यूज किया है और पोइट्री में उन्होंने सबसे ज्यादा जो यूज किया है वो किया है फ्री वर्ड्स का। नेक्स्ट है लेस ज़ील फॉर लव एंड नेचुरल ब्यूटी। देयर वाज़ अ फोकस ऑन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल के ऊपर मॉडर्न एज के राइटर्स ने ज्यादा फोकस किया है रादर देन सोसाइटी, और इंडिविजुअल के एलिनिएशन के ऊपर, जो कंफ्यूजन थी उसके माइंड में, जो भी इल्यूजन्स थे, इन सब के ऊपर मॉडर्न राइटर्स ने फोकस किया है। देखिए मॉडर्न एज में कुछ नए लिटरेरी ट्रेंड्स की शुरुआत हुई और कुछ ग्रुप्स भी बने जिनको लेकर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, इन्हें देख लीजिए। देखिए इमेजिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट ऑफ मॉडर्न एज। इमेजिज्म की जो शुरुआत हुई थी ये 1912 में हुई थी और इसे स्टार्ट किया था एज्रा पाउंड ने। मूवमेंट है यहाँ पे सिंबोलिज्म, ठीक है। सिंबोलिज्म जो है एक तरीके से ये इज अ प्रैक्टिस ऑफ आर्ट जिसमें ऑब्जेक्ट्स के थ्रू और वर्ड्स के थ्रू किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट किया जाता था किसी भी आर्टिस्ट के द्वारा या राइटर्स के द्वारा। तो ये मूवमेंट था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड इन द फील्ड ऑफ आर्ट। नेक्स्ट मूवमेंट है एक्सप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशनिज्म बेसिकली वॉज अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड म्यूजिक और ड्रामा, और क्योंकि ये जो मूवमेंट था ये आर्ट के फील्ड में भी था और लिटरेचर के फील्ड में भी था, तो जो आर्टिस्ट और राइटर्स होते थे वो अपने इमोशनल जो एक्सपीरियंस होता था उसे एक्सप्रेस करते थे इन देयर आर्ट एंड लिटरेचर। नेक्स्ट है सरियलिज्म। इट वॉज अ 20th सेंचुरी मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर एंड इट वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन द पोटेंशियल ऑफ द अनकॉन्शियस। नेक्स्ट वन इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है कि दिस इज अ मेथड ऑफ नरेशन। ये एक तरीके से मेथड है नरेशन का जो कि डिस्क्राइब करता है कि जो कैरेक्टर का माइंड है उसमें जो थॉट प्रोसेस का फ्लो कैसे हो रहा है। तो बेसिकली जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो रीडर्स को कैरेक्टर का जो मेंटल पिक्चर है वो दिखाता है। नेक्स्ट वन इज क्यूबिज्म। क्यूबिज्म इज अ स्टाइल ऑफ आर्ट विच एम्स टू शो ऑल ऑफ द पॉसिबल व्यू पॉइंट्स ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट ऑल एट वंस। एक तरीके से ये जो मूवमेंट था ये आर्टिस्टिक मूवमेंट था, तो आर्ट के फील्ड में ही था ये। नेक्स्ट मूवमेंट है डेडाइज्म। मूवमेंट जो है इसके फाउंडर थे ह्यूगो बॉल और 1916 में उन्होंने डेडाइज्म को फाउंड किया। ये भी एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है। फ्यूचरिज्म की अगर हम बात करें तो फ्यूचरिज्म इज ऑल्सो एन आर्टिस्टिक मूवमेंट ऑफ मॉडर्न एज। ये जो तीनों हैं क्यूबिज्म, डेडाइज्म एंड फ्यूचरिज्म, ये तीनों आर्टिस्टिक मूवमेंट हैं। और इमेजिज्म, सिंबोलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरियलिज्म, ये जो हैं दे बिलोंग टू लिटरेचर एंड आर्ट बोथ, एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बिलोंग्स टू लिटरेचर ओनली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं मॉडर्न एज के। अगर आप इन्हें डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग वीडियोज अबाउट दैम। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की जो मॉडर्न एज में फॉर्म हुए थे। उनमें थे मेमोयर क्लब एंड ब्लूम्सबरी ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट
हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ मॉडर्न एज, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, जो ओरिजिनेटर है मॉडर्न डिटेक्टिव लिटरेचर के, ठीक है, तो मॉडर्न डिटेक्टिव लिटरेचर के जो ओरिजिनेटर हैं वो माने जाते हैं आर्थर कॉनन डॉयल. फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है एचजी वेल्स का. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो टर्म है इसे कॉइन किया था विलियम जेम्स ने. वर्जीनिया वुल्फ ने भी अपने नॉवेल्स में काफी इस टेक्निक को यूज किया है. साइको एनालिटिकल फिक्शन को फर्स्ट टाइम अपने नॉवेल्स में यूज किया था डीएच लॉरेंस ने. इनका सन्स एंड लवर्स इसका एक एग्जांपल है. थिएटर ऑफ क्रुएलिटी की अगर बात करें तो इस टर्म को कॉइन किया था एंटोनिन आर्ट्रॉड ने. मेक इट न्यू, ये जो मैगजीन है ये दी थी एज्रा पाउंड ने, जिसे कि फॉलो किया मॉडर्न राइटर्स ने. थिएटर ऑफ एब्जर्ड जो है इस टर्म को कॉइन किया था मार्टिन एसलिन ने. और ये जो लॉस्ट जनरेशन टर्म है इसे कॉइन किया था गर्ट्रूड स्टाइन ने. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स और ओरिजिनेटर्स की हमने बात कर ली. अब हम देखते हैं मॉडर्न एज के जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जिनको कि हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं कुछ मॉडर्न पीरियड की, उन्हें देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोइट्स की. पोइट्स में जो इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं वो हैं डब्ल्यू बी ईट्स, डब्ल्यू एच डेविस, टी एस एलियट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्स. कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स के नेम्स भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं. फ्रेंड्स, डब्ल्यू एच डेविस जो है इन्हें मोस्टली वर्ड्सवर्थ के साथ कंपेयर किया जाता है. वाई ही इज कंपेयर्ड विद विलियम वर्ड्सवर्थ, बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक नेचर पोइट थे, सेम एज डब्ल्यू एच डेविस जो हैं ये भी एक नेचर पोइट माने जाते हैं मॉडर्न एज के. क्योंकि मॉडर्न एज में वैसे तो पोइट्स ने नेचर के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन डब्ल्यू एच डेविस ने नेचर को बहुत इंजॉय किया है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स की. तो जी बी शॉ और जॉन गाल्सवर्दी के बिना तो हमारा ये वीडियो इनकम्प्लीट ही रहेगा, क्योंकि मॉडर्न एज के जो जाने माने प्ले राइट्स हैं तो वो हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जॉन गाल्सवर्दी. सैमुअल बकेट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी पॉपुलर प्लेज लिखे हैं जो कि लोगों को एंटरटेन करते हैं. साथ ही हम बात करेंगे कुछ नॉवलिस्ट की. तो नॉवलिस्ट में नाम आता है रुडयार्ड किपलिंग का, जो कि ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न हुए थे. एच जी वेल्स हैं, जेम्स जॉयस हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, डी एच लॉरेंस हैं और जॉर्ज ऑरवेल हैं. और इनके वर्क्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, जैसे कि जेम्स जॉयस का यूलिसिस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है. अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में तो यूलिसिस से जरूर आएगा. डीएच लॉरेंस की अगर हम बात करें तो इनका सन्स एंड लवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऐसे ही वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे ऑरलैंडो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म एंड 1984 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे मैंने जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं राइटर्स के वही मेंशन किए, तो इनको जरा ध्यान दीजिए आप. नेक्स्ट आता है ट्रांजिशनल राइटर पोइट्स और नोवलिस्ट. तो देखिए वैसे तो कई सारे ट्रांजिशनल राइटर्स हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ टॉमस हार्डी की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है. टॉमस हार्डी ने वैसे तो अपने जो मेजर प्लेस हैं वो विक्टोरियन पीरियड में लिखे हैं, और मॉडर्न पीरियड में इनकी केवल कुछ पोइम्स हैं और पोइट्री कलेक्शंस हैं जो कि पब्लिश हुए हैं. उनमें से हैं ये द वॉइस, सटायर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस. तो हम इनको नोवलिस्ट तो नहीं बोल सकते, एज अ मॉडर्न नोवलिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि टॉमस हार्डी को जो है ग्रेट विक्टोरियन नोवलिस्ट माना जाता है, और मॉडर्न एज में इनके कोई मेजर नोवेल पब्लिश भी नहीं हुए. इवन कोई नोवेल पब्लिश नहीं हुआ, केवल पोइट्री कलेक्शन ही पब्लिश हुए हैं. सो वी कैन कॉल हिम ट्रांजिशनल राइटर, ट्रांजिशनल पोइट. उसके बाद आते हैं हमारे कुछ वार पोइट्स. ठीक है, तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, तो कुछ पोइट्स ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में भी सर्व किया और जो कि बहुत ही टैलेंटेड थे, जिन्होंने कविताएं भी लिखी हैं. तो उनमें फर्स्ट नेम आता है सिगफ्राइड सेसन का, जिन्होंने कि वार पोइम्स लिखी हैं, और इन्होंने टोटल 84 वार पोइम्स लिखी हैं. उसके बाद आते हैं रूपर्ट ब्रूक. रूपर्ट ब्रूक जो थे इन्होंने वर्ल्ड वॉर में सर्व तो नहीं किया, जैसे कि सिगफ्राइड सेसन जो थे ये कैप्टन थे
ब्रिटिश आर्मी में, लेकिन रूपर्ट ब्रूक जो थे ये ना तो सोल्जर थे ना कैप्टन थे, लेकिन इन्होंने वॉर पोइट्री को लिखा है. मींस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था इनका वॉर अपनी पोइम्स में, और इनकी पॉपुलर पोइम है द सोल्जर. विल्फ्रेड ओन की बात करें तो इन्होंने भी ब्रिटिश आर्मी में सर्व किया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और 5 ईयर्स की इनकी एज में ही इनकी डेथ हो गई थी वहीं पर. इनकी केवल 5 पोइम्स ही पब्लिश हुई थी उन अपने लाइफ टाइम पर, और उनकी बाकी की जो पोइम है उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई है. एंथम फॉर डूम्ड यूथ, ये एक इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है. तो ये हमारे कुछ वार पोइट्स थे. तो फ्रेंड्स, मॉडर्न एज को आज हमने स्टडी किया है. आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. साथ ही फ्रेंड्स अगर आप जूनियर असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, GIC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप मेरा गाइडेंस लेना चाहते हैं, PDF नोट्स लेना चाहते हैं, इन वीडियोज़ के अलावा ऑडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं, तो मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रही हूँ. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.